अगर तुम यहाँ यहाँ देखोगे यहाँ पे तुम लोग कि एक ब्लॉक है मास 4 के, इस सस्टेन्ड बाई 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी। स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है, मास रीड करेगा केजी में, ठीक है ना। ये जो है एक्चुअली जो टेंशन है इसमें वही रीड करता है, लेकिन यहाँ जो है तो जो केजी में हमें निकालना है, तो एक्चुअली यहाँ से 2 लाइट स्प्रिंग है, देखो एक लाइट स्प्रिंग ये वाली है स्प्रिंग बैलेंस, और दूसरी लाइट स्प्रिंग जो इसे अटैच है वो दूसरी वाली ऐसे है, ठीक है। और यहाँ से 4 kg का ब्लॉक अटैच है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ 4 kg का ब्लॉक अटैच है, तो ये जो लाइट स्प्रिंग है, ये जो वाली स्प्रिंग फर्स्ट है और ये वाली स्प्रिंग सेकेंड, स्प्रिंग बैलेंस सेकेंड है। तो इनकी रीडिंग कितनी होगी, रीडिंग इनका जो मास जो है वो रीड करेगा। तो बेसिकली सबसे पहले अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इसका, तो जो सबसे पहले जो टेंशन होगा वो निकाल लो इसमें, इन दोनों में टेंशन सिंस मासलेस है, ये क्या है दोनों मासलेस है, तो दोनों में टेंशन सेम होगा। सिस्टम इज इक्विवेलेंट, ये सिस्टम इक्विवेलेंट होगा, एक स्ट्रिंग कनेक्ट है ऐसे, ठीक है ना। तो ये 4 kg का ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्ट हो, तो इसमें टेंशन और इसमें 40 न्यूटन नीचे लगेगा और टेंशन टी, तो टेंशन टी की वैल्यू 40 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन हमें मास चाहिए, तो न्यूटन यहाँ से रीडिंग चाहिए, तो टेंशन अपॉन जी से डिवाइड कर दोगे, तो 40/g की वैल्यू 10 से डिवाइड कर दोगे, तो 4 kg हर एक की रीडिंग आ जाएगी। दैट इज अपना सी ऑप्शन इसमें से सही हो जाता। अगर इसके पास कुछ मास होता तो वो रीडिंग अलग अलग आ सकती थी, ठीक है ना। लेकिन अभी मासलेस है, तो इसमें और इसमें सब में टेंशन सेम होगा, दैट्स वाई इसकी रीडिंग 4 kg के बराबर होगी। थैंक यू।